दोस्तों आज मैं आपको मोटो एच 40 के कैमरे के जितने भी मोड्स होते हैं उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कौन सा मोड्स क्या काम करता है और ये इससे किस तरीके से आप फ़ोटो ले सकते हो और आपको ये फोटोग्राफी में किस तरीके से आपको हेल्प कर सकता है। दोस्तों तो वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला तो आपका ये फ़ोटो मोड आ जाता है सामने आपको, और जब आप मोर में जाते हो तो ये सारे आपको मोड्स मिल जाते हैं। जैसे कि पहला मोड्स है इसके अंदर स्पोर्ट्स कलर। स्पोर्ट कलर का मतलब होता है दोस्तों, तो जैसे कि आपने बैकग्राउंड में आपका जितने कलर्स आ रहे हैं और आपको उस पर टैप करके इसको कर्सर को उस पर स्विच कर देना है, तो आपका बैकग्राउंड में सिर्फ और सिर्फ उसी कलर को ये हाईलाइट करेगा, अदरवाइज सारे ब्लैक एंड वाइट हो जाएंगे। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप ये स्विच करके जैसे रेड पे ले जाएंगे या ब्लू पे ले जाएंगे, आप ये देख सकते हैं। जैसे मैं ब्लू पे ले गया तो बैकग्राउंड में जितने भी ब्लू कलर हैं वो आपके हाईलाइटेड हो जाएंगे। दोस्तों ऐसे ही आपको अगर मोर में सेकंड ऑप्शन की बात करें तो दूसरा मोड है दोस्तों नाइट मोड। नाइट मोड का बेनिफिट ये है दोस्तों, अगर आपको नाइट में फोटोग्राफी का शौक है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं नाइट मोड के थ्रू मैं अगर ये बिल्कुल डार्क प्लेस में कैमरा को टिल्ट करता हूँ तो यहाँ पे आपको बिल्कुल ही फ़ोटो क्लियर दिखती है, जबकि हम अपनी आँखों से जो नॉर्मल आँखों हैं तो उससे आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ से भी दिखा सकता हूँ, ये देखिए जब मैं नाइट विजन में कर रहा हूँ तो ये बिल्कुल क्लियर दिख रहा है और फ़ोटो क्लिक करने के बाद भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी आती है। इससे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी वीडियो में। तीसरा ऑप्शन हो जाता है ये पैनोरमा शॉट। पैनोरमा शॉट तो दोस्तों आपको पता ही है कि वाइड एंगल शॉट लेने के लिए काम आता है, तो इसको इस तरीके से आपको टैप करके और ये टिल्ट करते हुए आपको कैमरा घुमा देना है, तो इससे एक पूरी वाइड एंगल वाली आपको फ़ोटो मिल जाएगी। और अगर इसके अदर ऑप्शन के बारे में बात करें दोस्तों, तो इसका चौथा ऑप्शन है, जैसे कि मोड में फिर हम जाएंगे यहाँ पर आ जाता है अल्ट्रा रेजुलेशन। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जैसे कि इस फ़ोन का सेंसर का जैसे 50 मेगापिक्सल का है, तो आप इस मोड में बिल्कुल हाई रेजुलेशन वाली फ़ोटो ले सकते हैं, जिससे आप प्रिंट वगैरह भी निकाल सकते हैं और उसकी डिटेल वगैरह काफ़ी अच्छी आती है। तो इस मोड के थ्रू आप एक्चुअल 50 मेगापिक्सल की फ़ोटो ले सकते हैं। दोस्तों आप ये देख सकते हैं फ़ोटो की डिटेल में, इस फ़ोटो की MB 8.7 MB की है, तो ये एक्चुअल 50 मेगापिक्सल के सेंसर है दोस्तों। और अगर नेक्स्ट मोड की बात करें तो इसके अंदर आपको स्कैन मोड मिल जाता है। इससे आप कोई भी डॉक्यूमेंट या फिर जैसे बारकोड होता है या फिर किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन करना है तो उससे आप स्कैन करके इससे ले सकते हैं। दूसरा मोड है आपका डुअल व्यू वीडियो। इसके अंदर आपको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो कि फ्रंट और बैक कैमरा आपको कौन सा ऑन रखना है, किसको ऑफ रखना है। तो एक वन टाइम पे आप इसके अंदर दोनों कैमरा ऑन करके आप इससे वीडियो शूट वगैरह कर सकते हो, जैसे व्लॉगिंग वगैरह करना चाहते हो तो। और बाकी के मोड जैसे कि टाइम स्लैप या फिर सॉलिड कलर, ये सारी डिटेल्स आपको पता ही होगा दोस्तों, ये सब नॉर्मल मोड्स हैं। और इसके अंदर दूसरा भी है, ये आपका डुअल व्यू स्विच मोड। इसको भी आप उसी तरीके से व्लॉगिंग वगैरह के जैसे कि फ्रंट और बैक कैमरा आपका एक साथ काम करेगा और अपने हिसाब से इसको फ्रेम रेट को आप चेंज कर सकते हो कि जिस हिसाब से आपको व्यू चाहिए उसी हिसाब से आपको ये फ्रेम सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों। तो ये है मोटरोला के कुछ बेसिक सी डिटेल कैमरा के, और बाकी इसके अंदर ये सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे प्रो मोड, पोर्ट्रेट शॉट, फिर वीडियो में नाइट मोड, वीडियो में 60 FPS वीडियो, फिर ये आपका आ जाता सबसे लेफ्ट साइड में आपको स्लो मोशन की वीडियो मिल जाती है, इससे आप अपने स्लो मोशन वगैरह वीडियो शूट कर सकते हो दोस्तों। कैमरा क्वालिटी में काफी अच्छा है फोन, बिल्कुल डिटेल आपको नीट एंड क्लीन आती है, और ये फोन काफी बेस्ट है दोस्तों। ये आपको 25,000 रुपए में फ्लिपकार्ट मिल जाता है, लेदर कोटिंग के साथ आ जाता है। दोस्तों आई होप आप कैमरा मोड समझ गए होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो प्लीज चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करके जाना दोस्तों। बाय बाय।